अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज मैं जो है वो आपको एक जगह लेके जाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये जगह नहीं देखी होगी, इस जगह नाम सुना होगा, पिपरी नाम पोर्ट कासिम के पास जगह है और पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्किंग है बड़ी गाड़ियों की। तो चलते हैं इंशाल्लाह, आपको भी विज़िट कराते हैं और शहर के भी हालात दिखाते हैं कैसे हैं। फाइनली भाई पहुंच गए हम और अभी आपको दिखाता हूं मैं कि ये कितनी बड़ी पार्किंग है और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना वो इस पार्किंग को जो है वो बनाया गया है। लेकिन ये कि यहाँ पे वैसी सहूलियात अभी फ़िलहाल वैसी नहीं है। होप सो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ये बेहतर हो जाएगी पार्किंग। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम आए थे भाई गाड़ी को ख़र्चा देने के लिए, मेरी गाड़ियों का लोड था और मैं आपको पार्किंग भी दिखाता हूँ कि पार्किंग कैसी है और कितनी बड़ी है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह भाई गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे और अभी हम जो है वो ये देखें, ये पार्किंग जो है वो ये समझे कि पूरे पाकिस्तान को जो ऑयल टैंकर की सप्लाई होती है वो यहाँ है। और ये आप देख रहे हैं सामने टर्मिनल मौजूद हैं। ये जो एरिया है, इस जगह का नाम है बेसिकली, इसको बोलते हैं पिपरी पार्किंग। ये पोर्ट कासिम का एरिया है और यहाँ से जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो गया और दूसरी कंपनीज़ का जो है वो लुब्रिकेंट हो गया, जो भी आइटम है ऑयल वगैरह और दूसरे फ्लूड वगैरह जो होते हैं, पेट्रोल डीजल हो गए, इस तरह के जो है वो फ्लूड यहाँ से ट्रांसफ़र किए जाते हैं इन गाड़ियों के ज़रिए। ये देखें, ये एक हमारे उस्ताद आ रहे हैं सामने। हंसना नहीं। अच्छा भाई, ये पार्किंग। अच्छा भाई, यहाँ से सप्लाई जो है वो कहाँ कहाँ की होती है? ये सप्लाई दारू जब्बा है, सियाला है, अलीबाबाद है, माछी की है। यार डिपो के नाम नहीं बताने भाई, इलाकों के नाम बताने हैं। इलाके तो सेठ आल पाकिस्तान का इलाका सारा इधर है। चलो जी, अल्लाह पाक खैर करे भाई, आमीन। तो आप लोगों ने देख लिया भाई कि ये है पार्किंग, ठीक है। और यहाँ से सप्लाई जो आपने देखी गाड़ियों की टर्मिनल से होती है। और फिलहाल मैं अपना यहाँ का काम निपटाता हूँ, तो फिर यहाँ से हमें दूसरे पोर्ट जाना है, कराची पोर्ट, ठीक है, KPT, जहाँ पे हमारी शॉप भी है और बाकी दूसरी गाड़ियाँ वहाँ से लोड होती हैं। तो इंशाल्लाह जो है फिर यहाँ के काम को निपटाते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ चलते हैं। कॉलोनी से जो है वो करीमाबाद और साइड एरिया और डिफेंस को जाता है। इस रोड के हालात आप देखें कितने बुरे हो गए। और माशाल्लाह मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखें, ये हैं समझदार लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार हैं, ठीक है। ये ऊपर चले गए हैं और ऊपर से कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इस पर ऊपर जो है वो चाइना वालों ने प्लांट लगाया हुआ है, जो जितना जो है वो वेस्टेज होता है कराची के अंदर, तो वो यहाँ जमा करते हैं, इससे पता नहीं कोई चीज़ बनाते हैं। लेकिन इधर अक्सर उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो आती हैं ऊपर, और ये समझदार जो थे कुछ ये ऊपर चले गए और इन्होंने जो है ना ऊपर भी ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है। और ये जो रोड है, ठीक है, इस रोड का जो है वो मैं आपको भी हाल दिखाता हूँ कि इस रोड का क्या हाल हो चुका है। हमसे गलती हो गई, हमें सारे पैसे से जाना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ से आ गए। और इस रोड के ऊपर आप पानी मिला, ये कराची के अंदर बारिश हुई थी दो दिन, तो बारिश के बाद ये आप हाल देखें रोड का, ये हाल देखें आप, पानी जमा हो चुका है और ट्रैफिक जो है वो भर बेहतरीन किस्म का ट्रैफिक जो है वो जैम हो चुका है। इस बेचारे का रक्षा ख़राब हो गया भाई, यहाँ मछलियाँ पकड़ रही है। ये देखें, ये
ऊपर ये जितनी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये सारी गाड़ियाँ कचरा लेकर आती हैं ऊपर। यहाँ प्लांट लगा हुआ है और ये रोड का हाल है और बड़े बड़े खड्डे हैं माशाल्लाह से। ये देखें मतलब इस आवाम को जो है ना वो सब्र नहीं है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं भाई इस रोड के ऊपर। तो भाई जो लोग भी जो है वो इस साइड पे आते हैं, लिहाजा जिन दिनों में बारिश हो तो ख़ास तौर पे जो है इस इलाकों के ऊपर, इस इलाके के अंदर जो है वो ट्रैवल ना करें आप, क्योंकि इस रोड का बहुत बुरा हाल है। इससे बेटर है कि आप जो है ना वो शार फैसल को यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। वीवो वाले ने जो है हिम्मत कर ली है, ठीक है, और पीछे से वीवो वाले को रहा है हिम्मत नहीं कर रहा है, उसकी नई गाड़ी है ना असल में, वो इसलिए हिम्मत नहीं कर रहा है। हाल देखें यार आप लोग, कसम से मतलब कोई इंतज़ामिया नहीं है। ये सिर्फ दो दिन जो बारिश हुई है उसका हाल है। ये देखें ये समझदार इसके बिल्कुल पीछे ला के रोके और ये गाड़ी ख़राब हो गई है, सरकारी गाड़ी और ये ख़राब हो गई है, इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम। वो देखें बेचारा जो है वो इसका रक्षा ख़राब हो गया है। वालों को तो बड़ी परेशानी होती होगी क्योंकि उन्होंने तो आना ही से होता है। बस आप कोशिश करें वो लोग जो इन रस्तों से आते जाते हैं तो वो कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें, इस रस्ते का बड़ा बुरा हाल है। सो भाई हम पहुंच गए हैं श्री जिना अभी, और श्री जिना के ऐसी गर्मी है। तो भाई आप लोगों ने फिर जो है वो देखा कि ये जो पार्किंग है कराची की सबसे बड़ी पार्किंग है, और यहाँ से जो है वो मेजॉरिटी जो ऑयल टैंकर की सप्लाई है वो होती है, ठीक है। ऑयल टैंकर की सबसे बड़ी जो है वो ये पार्किंग है। और इसके अलावा ये कि कराची का हाल आपने देख लिया भाई, ये दो दिन की बारिश के बाद कराची का क्या हाल हुआ है। तो भाई बड़ा तकरीबन हमें पोर्ट कासिम से कराची पोर्ट पहुंचने के अंदर तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का रास्ता है, तो हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे हमें इस जगह को जो है ना कवर करने में। और बस बाकी ये कि यार अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो जो इस बारिश से इफ़ेक्ट हुआ अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए। तो आज का ब्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं, बस अब घर जाने की तैयारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जा रहे दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।